हुगली जिला के डानकुनी में एक गैर सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए 50 वर्षीय मरीज देव कुमार नंदी की मौत से आक्रोशित परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मरीज के स्वस्थ होने के बावजूद भी मरीज की मृत्यु कैसे हो जाती है। परिवारजनों का कहना था कि मृतक देव कुमार नंदी को उल्टी होने की समस्या होने की वजह से अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए लाया गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मरीज स्वस्थ है, ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। बावजूद इसके सुबह होते ही मरीज की मृत्यु कैसे हो जाती है। इसी पर अस्पताल के डायरेक्टर से इस पूरे घटना को लेकर जब पूछा जाता है तो डायरेक्टर शुभाशीष शाह ने क्या कहा, सुनिए। आजकल अगर आप देखेंगे तो सारा इंडिया में एक ही ट्रेंड चलता है, इंसान मर नहीं सकता जब तक डॉक्टर उसे गलती से मार नहीं देता। यही पब्लिक का जनरल ट्रेंड है, वो भी यहीं पे है। 19 तारीख को ये पेशेंट एक डॉक्टर को दिखाया जिसने फॉरन डॉक्टर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने के लिए कहा। पेशेंट 21 तारीख को आके भर्ती हुआ। ये दो दिन क्या हुआ इसके बारे में कोई सवाल मत कीजिए। वो लोग कुछ टेस्ट करा रहे थे, क्या क्या भगवान जाने, लेकिन कोई दवाई नहीं मिला, कोई कुछ नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं, डॉक्टर जिम्मेदार होता है। पेशेंट कल भर्ती हुआ, 250 ब्लड प्रेशर था, उसके साथ सिटी स्कैन में स्ट्रोक आया, ईसीजी का रिपोर्ट भी बहुत अच्छा कुछ नहीं था, इसका इलाज चल रहा था। पेशेंट वॉज रिकवरिंग वेल, लेकिन आज सवेरे 6:30 बजे अचानक उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट किसी को भी कहीं भी कभी भी हो सकता है। कोई ये कोई बोल के नहीं आता। अगर ये बोल के आता और अगर इसको इतना आसानी से रिवर्ट किया जाता तो इंसान अमर हो जाते, कोई मरता ही नहीं था। ये उनके घर में भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। कोई रोका नहीं। अब जाके यहाँ का रिकॉर्ड चेक कीजिए, कल शाम भी एक पेशेंट ऐसे घर लेके चला गया। कोई किसी को रोक नहीं सकता। उन्होंने बोला था, हाँ ये सही है, उनको वो लोग बोला था कि वो उनको कोई और ले जा सकता है। हमारा डॉक्टर साहब जिनके अंडर में भर्ती था उन्होंने बोला अब ले तो जरूर जा सकते हो लेकिन किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये हम लोग कहा था। तो हम लोगों को थोड़ी पता था कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, किसी को थोड़ी पता चलता है एडवांस। नहीं, कोरोना का कोई सिम्टम्स नहीं था इसीलिए कोरोना का कोई टेस्ट नहीं किया गया, कोई भी टेस्ट नहीं किया गया कोरोना का, क्योंकि कोरोना सजेस्टिव ऐसा कोई सिम्टम था नहीं। तो
देखिए कॉम्पेंसेशन का तो बात ऐसा नहीं हो सकता, पहले ये तो सिद्ध होना चाहिए हॉस्पिटल जिम्मेदार है। हमने तो कहा था अगर आपको ऐसा करना है तो आप जाके कंप्लेन कीजिए हॉस्पिटल के खिलाफ, जांच हो, जांच में अगर हॉस्पिटल को कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के डॉक्टर को जिम्मेदार पाते हैं तो ज़रूर कानूनन व्यवस्था होना चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन मुझे एक भी चीज़ ये भी कहना है अगर इसमें हमें निर्दोष पाया गया तो हमारा जो बदनामी आज सवेरे वो लोग कर दिया उसका क्या, उसका क्या, कौन उसका भरपाई करेगा? आज सवेरे वो लोग बाहर खड़ा हो गए, 5-6 पेशेंट को लौटा दिया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो लोग एक पैसा भी बिल नहीं चुकाया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक पैसा भी नहीं दिया, 10 रुपया, 10-5, 10 जो भी खर्चा हुआ हॉस्पिटल का तो खर्चा है। नहीं, 5,000 रुपया जमा किया था, वो आज सवेरे फोर्सफुली वो लोग रिफंड ले गया। 5,000 रुपया उन्होंने एडवांस जमा किया था, वो उन्होंने फोर्सफुली उन लोगों को फोर्स किया वो पैसा रिफंड करने के लिए। ऐसा कोई तो मेरे पास सूचना है नहीं, आई हैव टू चेक इट। মানে আমাদের কর্মচারীদের নিরাপত্তা সাংঘাতিকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে, ওদের প্রাণে বাঁচিয়েছে, I'll have to check it, but there, to the best of my knowledge, I don't have any such information. I am Nurse Vashish Shah. I am a director of this hospital.